दोस्तों, अगर आपके फेस पे पिंपल स्पॉट है, डार्क स्पॉट है, एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट है, तो उसको रिमूव करने का एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर के आई हूँ जो कि एक बार आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप इसको बार बार अप्लाई करना चाहेंगे, आप इसके फ़ैन बन जाने वाले हैं गाइज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को लेना है एक चम्मच बेसन। बेसन में, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेड स्किन के लेयर को रिमूव करने में और स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटन ब्राइटन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है बेसन। तो एक चम्मच आपको भर के बेसन लेना है। उसके बाद आप लोगों को ऐड करना है एक चम्मच चावल का आटा। जी हाँ गाइस, चावल का आटा में जो है नेचुरल स्क्रब पाया जाता है, उसके साथ ही साथ कोरियन स्किन टोन वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें चावल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये स्किन को लाइटन ब्राइटन करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक चम्मच भर के लेना है आपको चावल का आटा। उसके बाद लेना है रोज़ वाटर। यहाँ पर मैंने डाबर गुलाबरी का ले रखा है, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं, क्योंकि रोज़ वाटर जो है आपकी स्किन को टोनिंग प्रोवाइड करेगा, आपके पिंपल स्पॉट को रिमूव करेगा, उसके साथ ही साथ आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसको भी श्रिंक करने में हेल्प करता है। तो आपको 2 से 3 चम्मच लेना है रोज़ वाटर। उसके बाद ऐड करना है आप लोगों को दही। जी हाँ गाइस, आप लोगों को घर की बनी हुई दही लेनी है, जो कि आपके फेस को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उसके साथ ही साथ आपके स्पॉट को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो आपको यहाँ पे 1 से 2 चम्मच दही लेना है, जितना कि पेस्ट बन जाए, थिक सा पेस्ट बनाना है और अपने फेस पे और नेक पे दोनों पे अप्लाई करना है इवनली। ये नहीं कि केवल आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, क्योंकि फेस पे स्पॉट है, गर्दन पे नहीं है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक और फेस दोनों पे इवनली अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से जब मिक्स हो जाता है, उसके बाद अपने फेस को पहले वॉश करें, ठंडे पानी से वॉश करना है। आप चाहें तो फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करें। थिक से लेयर लगानी है, बहुत पतली लेयर नहीं लगानी है आप लोगों को, थिक से लेयर लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब लेयर लग जाती है अच्छे से, उसके बाद 5 से 7 मिनट आप अपने फेस पे लगा रहने दें, जिससे कि क्या होगा, आपके फेस पे जितने भी स्पॉट हैं वो रिमूव हो जाएंगे, उसके साथ ही साथ जितनी भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो श्रिंक हो जाएंगे, उसके साथ साथ डेड स्किन की लेयर है वो भी बिल्कुल फूल जाएगी और रिमूव हो जाएगी। तो गाइस, इसको इस तरीके से अप्लाई करें, 5 से 10 मिनट तक आप अपने फेस पे लगा रहने दें। उसके बाद जब भी आप इसको छुटाते हैं तो सबसे पहले आप इसको मसाज करें, थोड़ा सा पानी का छींटा मारें, मसाज करें, उसके बाद ही इसको छुटाना है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।